वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली टुडे योर न्यू चैप्टर इज गोइंग ऑन एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो थोड़ी सी बात की जाए कि अभी तक जो मैंने आपको सिखाया था बेटा वो ये कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंटरप्राइज एनी बिजनेस दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, आपको अकाउंटेंसी में सिर्फ इतना ही बताया गया कि आपको सारा काम पैसे से ही करना है और प्रॉफिट कमाने के बारे में ही सोचना है. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव यू कैन से कि सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज ओनली टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. ठीक है, कुछ सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. आपने 11th में पढ़ा है, 11th में अगर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो शायद आपको याद होगा कि इफ एवरीथिंग इज टेकन ओवर बाय द बिजनेस फ्रॉम द सोसाइटी then it's the responsibility of the business to give something return to the society. That's why that is a concept is coming in your accountancy for the non-profit organization. अब ये सर non-profit organization होता क्या है? Non-profit organization ऐसा organization जो profit कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, but the organization which are set up to rendering services to the कॉमन पीपल या टू द पीपल. ठीक है, या टू द सोसाइटी. तो सोसाइटी की भलाई के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं वो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहे जाते हैं. ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनेशन क्या होगी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टेब्लिश फॉर नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव बट इज द गिविंग सर्विसेज टू द पीपल और गिविंग सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को सर्विसेज देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, शायद कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ऑड लगे कि सर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने के बाद ये करने की क्या जरूरत है. तो आगे की क्लासेज में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एनपीओ का क्या कितना बेनिफिट है, कितना एडवांटेज है एनपीओ चलाने के. ठीक है, अब सारी चीज़ें तो इतनी यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, बट यह है कि अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि कितने एग्जाम्पल्स इसके होते हैं. देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आप जानते होंगे, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्लब्स होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं. ठीक है, तो एक एक पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात तो आप एक माइंड में से वो जो पिछली आपके कंसेप्ट थे उसको थोड़ा सा डिलीट करिए. ये नया कंसेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करने जा रहे हैं. कुछ दो चार दस लोग का एक ग्रुप होगा जो मिल करके किसी यूनियन को चलाने का काम करेगा, किसी सोसाइटी को चलाने का काम करेगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करेगा. ठीक है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन जो आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करने जा रही है, द मेन मोटिव ऑफ दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इट इज ओनली फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो समाज की भलाई के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब देखिए एग्जांपल्स के तौर पे आपने सुना होगा एनजीओ वगैरह लोग चलाते हैं. ठीक है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रस्ट के माध्यम से चल रहे हैं जहाँ पे फ्री में इलाज किया जाता है या बहुत ही रेयर केस में बहुत ही कम फीस ली जाती है. ठीक है, लोगों की सुविधा के लिए. इसके बाद आपने स्कूल्स में भी देखा है, अब किसी के दिमाग में आगे कि जो है सर स्कूल्स जो है वो हमसे फी वगैरह लेती हैं, तो ऐसा नहीं कि आप फी दे रहे हैं उनको, तो फी से ही मतलब नहीं है. स्कूल्स का भी जो मेन मोटिव होता है इज ओनली गिविंग सर्विसेज या ओनली गिविंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वो भी एनपीओ के अंदर आते हैं, वहाँ पर भी जो है लोग ट्रस्ट बना करके ही जो है चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, क्लब्स में क्या होता है? क्लब का मतलब ये बेटा ऐसा नहीं कि जो आप अभी तक क्लब के बारे में सुने थे वो डांस क्लब या ऐसा कुछ नहीं, ऐसी क्लब की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे उस क्लब की बात हो रही है जहाँ पे अनाथ बच्चे वगैरह रहते हैं या ऐसे बच्चे जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है. दो चार दस लोगों ने मिल करके इसको जो है क्रिएट कर लिया है और वहाँ पे जो उसको फ्री में सोसाइटी की वेलफेयर के लिए दे रहे, तो वो भी जो है एनजीओ या एनपीओ के अंतर्गत आता है. ठीक है, अब थोड़ी सी बात की जाए कि क्या सर इसका कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा. अब देखो ये तो बात अंदर की है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. स्टूडेंट्स एनजीओ में जो पैसे जाते हैं, जो एनजीओ में या एनपीओ में जो पैसे दिए जाते हैं उसका बाद में टैक्स से रिबेट मिलता है, ये भी चीज़ आप दिमाग में रखिए. द पर्सन हु इज़ अ मेम्बर ऑफ दैट एनजीओ, ठीक है, द इनकम विच आर गिवन बाई हिम, जो पैसा वो एनजीओ में देता है वो उसका टैक्स के लिए रिबेट मिलता है. जब वो अपनी टोटल इनकम दिखाता है तो वहाँ से वो रिबेट के तौर पे उस एनजीओ के पैसे को दिखा सकता है कि भैया मैंने इतना पैसा जो है ट्रस्ट के तौर पे किया, तो वहाँ भी उसका बेनिफिट है. ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आपने समझ लिया होगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बल्कि पब्लिक को या सोसाइटी को, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं वो हमारे एनजीओ या एनपीओ या कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहे जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने देख लिया है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? करेक्टरिस्टिक्स का मतलब वो जो फीचर्स अभी आप पढ़ने जा रहे हैं वो एकदम जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसी डेफिनेशन में से एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा और वही इस पर्टिकुलर एनपीओ का जो है वो बन जाएगा फीचर्स। पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी एंटिटी। तो फर्स्ट इज अबाउट एंटिटी। अब ये बताइए कि 11th के बीएसटी में आपने पढ़ा था कि एंटिटी जो होती है वो सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। एवरी बिजनेस हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। आप दोनों को एक में पैच मत कर दीजिएगा कि दोनों एक ही है, ठीक है। ओनर, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था अकाउंटेंसी के पहले ही चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट नेम ऑफ बिजनेस एंड ओनर ऑफ बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन। सो दैट इज सेम हियर। एंटिटी मींस जो एनजीओ, जो भी ट्रस्ट आप चला रहे हैं, या सपोज दैट कि यक्स क्लब या कोई भी आप नाम से जो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो ट्रस्ट आपका जो होगा बेटा वो उसके मेंबर से पूरी तरीके से डिफरेंट होगा। ये मेंबर जो उसका हो वो ये नहीं सोच सकता कि मैं इसका, ये पर्टिकुलर एनजीओ मेरा है और इसका मैं ओनर हूं तो मैं इसको पूरी तरीके से चाहे सेल आउट कर दूं या किसी के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ना तो वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है, ना तो वो किसी को सेल आउट कर सकता है, ठीक है। आप ठीक है, आप 10 लोग मिलकर के एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ को क्रिएट करने का राइट है, लेकिन एनजीओ को बंद करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप इस तरीके से किसी भी चली चलाई संस्था को जो सोशल वेलफेयर के लिए लगा हुआ है उसको आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब जो नेम ऑफ एनजीओ है दैट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। इट इज टोटली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब जो उसके मेंबर हैं, अब देखो बेटा थोड़ा सा बता ही दूं आपको कि जो उसके मेंबर होते हैं उनका राइट क्या होता है। उनका राइट इतना ही है कि बिना उनकी परमिशन के उस पर्टिकुलर एरिया को कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन आप ये मत समझ लीजिए कि उनको यूज नहीं कर सकता तो वो उसके ओनर हो गए। ओनर का मतलब ये नहीं है कि वो चाहे उसको बेच सकते हैं, वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो ट्रस्ट की है, वो ट्रस्ट में ही चला जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम उनके राइट्स की बात करते हैं तो उस मेंबर के बिना परमिशन के वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पांसिबिलिटी का मतलब ये है कि वो उसको सेल आउट भी नहीं कर सकते, किसी को दे भी नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद बात आती है पर्पस किस लिए बनाया जाता है। तो पर्पस मींस यू नो वेरी वेल, पहले ही बता दिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड ओनली फॉर द सर्विस मोटिव टू द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इट इज नॉट क्रिएटेड फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन आजकल लोग वो भी कर रहे हैं तो अंदर की बात तो कितना जानेंगे आप, ठीक है। ओनरशिप बेटा, अब इसके ओनर कौन होंगे? सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया वही फिर रिपीट करने जा रहा हूं। ओनरशिप आप किसको कह सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप का हिंदी आप समझेंगे तो मालिकाना हक, मतलब उसका मालिक कौन, उसका ओनर कौन, उसका प्रोप्राइटर कौन है। चूंकि ये एनजीओ है तो इसका मालिक अभी तो कोई नहीं है, हाँ, लेकिन जो इसके मेंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ द एनजीओ, आर दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ओनर ऑफ द एनजीओ या जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने ओपन कर रखा है। सपोज दैट आप फ्री में एजुकेशन देने के लिए कोई स्कूल चला रहे हैं या एजुकेशन के लिए कोई भी स्कूल चला रहे हैं जो ट्रस्ट से चल रहा है, तो जितने उसके मेंबर होंगे दैट इज कॉल्ड ओनर, या दैट इज कॉल्ड ओनर ऑफ द ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये पेपर वर्क तो यही माना जाएगा उसके जो है ओनर वही है, पर ओनर के जो राइट्स होते हैं किसी चीज को अपने हिसाब से फिनिश करने का या उसको सेल आउट करने का, वो इनके पास राइट्स नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए बेटा ये चीज ध्यान दीजिए कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट में आप ये मत समझिएगा कि एनजीओ कोई एक चलाता है, ठीक है। ट्रस्ट होता है, लोगों के दान का पैसा होता है, लोग अपना एक अलग साइड बिजनेस करते हैं। थोड़ा सा डीप में सुनिए, सुनते जाइए क्या करना बेटा। लोग क्या करते हैं, अपना साइड में बिजनेस करते रहते हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी बना हुआ है। उनकी सपोज करो कि उनकी पेपर मिल है, उनका कोई और बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इस बिजनेस से जो पैसे आते हैं उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा निकाल करके वो एनपीओ चलाते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। इसका दो बेनिफिट है, एक तो उनका नाम भी हो जाता है, दूसरा उनका काम भी हो जाता है। नाम कैसे होता है? नाम ऐसे होता है कि भैया पर्टिकुलर पर्सन ने अनाथालय खुलवा रखा है, यहाँ पे लोग जो है पढ़ते हैं। लेकिन जो पैसा किसी, कोई भी मेंबर जो पैसा किसी भी ट्रस्ट में डालता है उस पर्टिकुलर पैसे से रिबेट मिलता है टैक्स में, ठीक है। चीजें बीकॉम वगैरह के लिए भी थोड़ी सी छोड़िए, वहां भी आप सीखेंगे चीजें, लेकिन अभी के लिए इतना ही कंसेप्ट है कि उसका रिबेट मिलता है, ठीक। तो जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का मतलब अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कई दो चार दस लोग या 15-20 लोग, 100-150 लोग को, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितने लोग चाहे उतना दान किया जा सकता है, कोई आपको रोकेगा नहीं, तो मिल करके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उस पर्टिकुलर फ्री इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, ठीक है, जो आपका एनपीओ है। तो
या कह सकते हैं कि अगर सर हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल हमसे फी क्यों लेता है, तो फी का मतलब कि इतना ही जान लीजिए कि उस पर्टिकुलर एनपीओ को मेंटेन करने के लिए जो थोड़ी बहुत फी लगती है बस वही आपसे जो है चार्ज किया जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है आप आई चेकअप के लिए जाते हैं, वहाँ पे कोई फीस नहीं लगती, लेकिन बस 150 रुपये जो शुरू का लगता है वो बस वहाँ की मेंटेनेंस के लिए ही हो सकता है जो लिया जाता हो। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। हाँ, तो मैनेजमेंट के लिए बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो मैनेजमेंट होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड ट्रस्टी। आपने सुना होगा ट्रस्टी का नाम सुना होगा, वो उनको ट्रस्टी बोला जाता है। इसके बाद सिक्स आर ऑफ फंड्स। सर इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सर पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास, चूंकि ये तो फ्री का सब कुछ दे रहे हैं। पैसे ऐसे आते हैं बेटा कि जो मेंबर होते हैं उनके, वो मेंबर हर साल सब्सक्रिप्शन के तौर पे, अब सब्सक्रिप्शन का मतलब आप हिंदी में सुन लीजिए तो चंदा कहते हैं इसको आप। ठीक है, जितने भी मेंबर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन करा रहे हैं वो अपने प्रॉफिट, वो अपनी कमाई से या कहीं से भी वो हर साल 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, जिसका जितना भी होता है कंट्रीब्यूशन करके उस पर्टिकुलर संस्था को जो है वो रन कराते रहते हैं। तो इनके पास कई तरीके से पैसा होता है। पहला देखिए, फंड्स के तौर पे आप देख रहे होंगे इंट्रेंस फी। तो इंट्रेंस फी का मतलब इफ एनी न्यू मेंबर वाना कम इन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई नया मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे इंट्रेंस फी देनी पड़ती है। मेंबरशिप फी क्या होती है, अगर वो पूरे लाइफ टाइम के लिए, देखो वन टाइम एक साल के लिए बनना चाहता है तो इंट्रेंस फी देना पड़ेगा। वो मेंबरशिप लेना चाहता है उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तो उसको जो है मेंबरशिप के लिए उसको पूरे लाइफ टाइम का एक पेमेंट करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन आपको मैंने बता दिया कि द अमाउंट विच आर गिवन बाय द मेंबर इन अ पर्टिकुलर ईयर या ईयर टू ईयर, हर साल जो मेंबर के द्वारा जो पैसा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन या चंदा आप उसको कह सकते हैं। डोनेशन मीन्स यू कैन से कि द अमाउंट विच आर गिवन बाय द आउटसाइडर। सपोज दैट आपने अनाथालय खोल रखा है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी ब्लॉक प्रमुख कोई भी आगे आपके बगल और कह दे भी आप जो है हमारे यहाँ कुछ भी प्रोग्राम है, तो वो उस समय अगर आएगा वो किसी भी पर्पज के लिए, सपोज दैट वहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए या किसी और लाइब्रेरियन के लिए किसी चीज़ के लिए अगर वो पैसे आपको देता है, दान देता है, तो वो डोनेशन बोला जाएगा, दैट आल्सो बी द फंड ऑफ द एनपीओ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऐसा तो नहीं सर पूरी थ्योरी ही है, अकाउंट आप पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी आपको करनी है, ट्रीटमेंट आपको करना ही है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बेटा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पे आपको तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो करने हैं, तीन बनाने हैं। पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लास्ट इज बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम एज अ कैश बुक, देयर आर टू कॉलम, रिसीप्ट साइड इन द डेबिट साइड एंड पेमेंट साइड इन द क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट इज सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम, एंड बैलेंस शीट सेम एज द लाइबिलिटीज एंड असेट्स। ठीक है, एंड इट विल बी यू कैन इट विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट वीडियोज, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आगे की बात कर लें तो बेटा आप होमवर्क पे आ जाइए। होमवर्क में आपको क्या क्या करना है ध्यान से देखिए, जो आप लोग आजकल पढ़ते थे पर कर नहीं रहे हैं। तो पहला आपका है मेक प्रॉपर नोट्स फॉर द चैप्टर्स। ठीक है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए उसके प्रॉपर नोट बनाइए। सेकंड, अपडेट योर वर्क एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको विजिट करिए, नेट पर भी सर्च करिए। ठीक है, नोट्स बनाइए। एंड दो क्वेश्चन आपको करने हैं जो वेरी इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ एनपीओ, आपको एनपीओ की मीनिंग एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड में। And write the features of non-profit organization. ठीक है, तो I think इतना कर सकते हैं, very easy. ठीक है, okay students, thank you very much. Have a nice day.